मैं मुहद्दिस अली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और हज़ार टाउन से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये मुल्क हमारे हैं और हमें इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। हमें इस वक्त गम के हालत में होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो ये मुल्क हमें सब कुछ दे रहे हैं, इससे हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमें भी इस मुल्क को देना चाहिए। दुश्मन जितने भी कोशिश करें, फिर भी हमें इस मुल्क से दूर नहीं कर सकते। इस मुल्क के लिए हम लोग अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मेरा नाम बसीरत है और मैं इधर ही कोयटा की रहने वाली हूँ। आप कोयटा देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो आता है वो यही होती है, बलोची कढ़ाई वगैरह, ये जो हमारे कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर हमने मतलब मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये खूबसूरती है। तो जो मेन चीज़ें, हम पहले उस पर फोकस करें और बाकी चीज़ों से रिफ्लेक्ट करें। हम लोग सोशल मैसेज भी दिखा रहे हैं, एक हमारी ड्राइंग है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक सोशल मैसेज दे रही है, और जो दूसरा पीछे हमारी जो एक और पार्टिसिपेंट है वो ये शो कर रही है, वो भी विंग्स के साथ हम लोगों ने एक म्यूरल पेंट करवाया उनके बाबा, और वो कर रहे हैं। तो वो उसका बेसिकली मकसद ये है कि लोग यहाँ पे आके पिक्चर खींचे इनके साथ, ये लोग हमारी पिक्चर्स वगैरह भी वायरल हों, ताकि इस वायरल इसलिए कि लोग आके देखें और वो सीखें इससे, ये नहीं कि खूबसूरत है, सीखें भी इसके साथ साथ कि भाई आप ये सब मत करें, खूबसूरत करें। और इस तरह के इवेंट्स मैं तो कहती हूँ कोयटा में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आवाम में कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ममूना है, मैं ब्यूटम्स की स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से। बेसिकली जो ये इवेंट आज हो रहा है वो मेट्रो कॉर्पोरेशन वालों की तरफ से हो रहा है, उसमें ये है कि कोयटा सिटी में वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो वो चाहते थे कि कोयटा सिटी की वॉल्स को, ताकि ब्यूटिफिकेशन में इसकी इजाफा किया जाए, अट्रैक्टिव दिखे वॉल्स। तो एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ सिटीज़न ऑफ द सिटी, मुझे लगता है कि हमें ज़रूर पार्ट लेना चाहिए ऐसी चीज़ों में, और मैंने इसमें पार्ट लिया है। हमारी थीम ग्रेफिटी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ये करेज और ब्रेवरी को शो करने के लिए वेक्टर डायग्राम एक लाइन की बना रहे हैं, जिसमें हर ह्यूमन अपने अंदर कहीं ना कहीं करेज रखता है, उसको शो करने के लिए, ताकि हमारी सिटी स्टैटिकली अच्छी दिख सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा शाहिद है, मैं ब्यूटम से हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी, एंड मैं यहाँ पे वॉल पेंट के लिए आई हूँ बलूचिस्तान यूथ इनिशिएटिव की तरफ से। एंड बेसिकली मेरी थीम ये है कि मैंने विंग्स बनाने हैं, और इन विंग्स में बलोची आर्ट होगी जो बलूचिस्तान के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करेगी और खूबसूरत की खूबसूरत है। ये जो है ना, हमारे यूथ्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो आए इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, और दूसरा ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि टूरिस्ट बाहर से आते हैं तो उनके बहुत गलत इम्प्रेशन पड़ता है बलूचिस्तान का, कोयटा का, कि कैसा कोयटा है, हर तरफ वॉल चॉकिंग हुई हुई है। सो उसको भी ख़त्म करना है, कोयटा को अच्छा प्रेजेंट करना है और ब्यूटीफुल दिखाना है। रहमान रहीम, मैं बहुत खुश हुई यहाँ आकर, जो मैंने एक्टिविटी देखी है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी फोरम पे अपना जब टैलेंट दिखाने आते हैं तो मेरा ख्याल है बाकी तीन सूबों को पीछे छोड़ देते हैं, तो ना तालीम में पीछे हैं ना किसी और एक्टिविटी में। अभी आपको नज़र आ रहा होगा इनकी एक्टिविटीज़ कि माशाल्लाह इन्होंने खुद आइडियाज़ क्रिएट किए और ख़ुद इसमें सारी पेंटिंग्स और ड्राइंग्स ये लोग करें। तो इसमें मैं कहती हूँ एडमिनिस्ट्रेटर क्वेटा सरदार लूनी साहब का बहुत बड़ा किरदार है जो उन्होंने अदा किया, और इस तरह शहर की और भी ब्यूटिफिकेशन जो हमें कर रहे हैं, आपको आने वाले एक साल में बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा कि ये जो नई हुकूमत आई है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की और सीएम जाम कमाल साहब की क़यादत में, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ नज़र आएंगी, जो रोड्स हैं, जो हम डबल कर रहे हैं, ड्यूल कैरेजेस हमारे, राउंड अबाउट्स हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, गलियों को और नालियों को इसके सिस्टम को प्रॉपर करें। तो इसमें ये जो एक एक्टिविटी आज हो रही है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे नज़र आता है कि हम लोग कितने बाशऊर हैं, कि पहले ज़माने में दीवारों पे जी अजीब अजीब चीज़ें लिखी जाती थी और वो जुमले जो हैं मेरा ख्याल है पढ़ने के भी लायक नहीं होते थे जिस पर लिखे होते थे। तो अब उस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए और हमें भी बाहर की तरह ये पैटर्न पे जाना चाहिए कि हमें भी अपने शहर को खूबसूरत बनाना चाहिए।
ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो अपोजिशन क्यों ना हो। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम अगर आए हैं तो इसी तरह अपोजिशन भी उन्हीं बेंचेस पे है असेंबली के, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा साथ दें पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए, बलूचिस्तान को कामयाब करें।